हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो गैरेंडिया। तो आज हम टाटा 3518C का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, सारी चीज बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको भी मेरी तरह ट्रक्स पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक किए बगैर मत जाना। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना, ताकि जब कभी भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस ट्रक के अलावा या फिर किसी और ट्रक की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, AUTOGEARINDIA डाल के आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको सारी ट्रक्स की इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी प्राइस से स्टार्ट करते हैं। जो इसकी ऑन रोड प्राइस है राजस्थान के अंदर वो 27.5 लाख है, बाकी स्टेट में इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट होगी। अब इसके कैबिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, टाटा लोगों के साथ आता है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट है क्लस्टर, इसके अंदर आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टेम्परेचर मीटर मिलेगा। ये इसका एडब्ल्यू मीटर, ये वेरियस स्विचेस, एबीएस लाइट और हैवी मोड के अंदर आएगा ये। इसके अंदर आपको दोस्तों ब्लोअर मिलेगा, ये देख सकते हैं इसका ब्लोअर, ये एडजस्टर के साथ आएगा। और 6-speed ट्रांसमिशन मिलेगा, इसका गियर लीवर, ये इसका हैंड ब्रेक लीवर। तो दोस्तों जो कैबिन है उसके अंदर काफी स्पेस है, बाकी ये बनने के बाद पता चलेगा इसके अंदर कंपनी ने कितना स्पेस दिया है, लेकिन देखने पे पता चल रहा है काफी स्पेस है इसके अंदर। अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 5.9 लीटर का इंजन मिलेगा, जो कि 6 सिलेंडर इंजन है। ये मैक्सिमम 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 700 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर आपको 380 एमएम डाई की ऑर्गेनिक क्लच मिलेगी, जो कि क्लच बूस्टर के साथ आएगी। और इसके अंदर आपको जो गेयरबॉक्स मिलेगा वो G750 गेयरबॉक्स मिलेगा, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा दोस्तों ये। और जो इसकी ट्रक की ग्रेडेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है दोस्तों, जो इसकी ग्रेडेबिलिटी वो 19.9% की ग्रेडेबिलिटी है। ये इसका इंजन। अब इसके टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो टायर साइज मिलेगा वो 10R20/16PR का टायर साइज मिलेगा, और आप चाहे तो इसके अंदर दोस्तों ट्यूबलेस टायर भी ले सकते हैं। वैसे तो अभी ये ट्यूब वाले टायर है। अभी इसका लिफ्ट एक्सल, और जो इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलेगा वो 365 लीटर का मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक है। अब दोस्तों इसके लोड बॉडी ऑप्शंस बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर आपको FSD मिलेगा, HSD मिलेगा, बल्कर मिलेगा और रिफर मिलेगा। और लोडिंग स्पैन्स मिलेंगे दोस्तों इसके अंदर आपको 22 फीट के अंदर, 24 फीट, 28 फीट और 32 फीट। अगर आप कैबिन लेते हैं तो हाइड्रोलिक टिल्टेबल इसके अंदर आपको कैबिन मिलेगा। लेडर टाइप विद क्रॉस मेंबर्स, इसके अंदर आपको सेशिश फ्रेम मिलेगा। जो इसके अंदर आपको दोस्तों फ्रंट एक्सल मिलेगा वो फोर्स आई बीम रिवर्स इलियोर टाइप मिलेगा विद लिफ्ट एक्सल। और जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट एक्सल के लिए वो पैराबोलिक लिफ्ट स्प्रिंग मिलेगा, और जो पुशर एक्सल के लिए होगा वो न्यूमेटिक लिफ्ट मिलेगा। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो काफी अच्छा है, ये जो बम्प्स हैं और पोटोल्स हैं वो इजीली एब्सॉर्ब कर लेता है, तो कैबिन में आपको इतना कुछ फील नहीं होता दोस्तों। अब इसके रियर एक्सल और रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो रियर में एक्सल मिलता है वो RA109RR मिलता है, सिंगल रिडक्शन बेंजो टाइप। और रियर में जो सस्पेंशन मिलता है वो सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग मिलता है, जो कि बेल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ आता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रंट और रियर में दोनों में एंटी रोल बार ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं नहीं। और जो इसका व्हील बेस है वो 5205 mm से स्टार्ट होता है और 6750 mm तक जाता है,
वो डिपेंड करता है कितने फिट का लोडिंग स्पैन आप लेते हैं। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 248 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये इसका फ्रेम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी है। और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमें ऑटोगेयर इंडिया पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पर मैं आपको इसकी और डिटेल्स बता दूंगा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।